उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इजराइल के तेल अवीव में विरोध प्रदर्शन की वजह से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को एयरपोर्ट पहुंचने में पसीने छूट गए। आरोप है कि नेतन्याहू इजराइल की पूरी न्यायिक प्रणाली में फेरबदल की तैयारी में और वो इसराइल की संसद को इतनी ताकत देना चाहते हैं जो अदालतों के फैसलों को भी पलट सके। इसके अलावा बेंजामिन नेतन्याहू जजों की नियुक्ति को भी अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। इसी के विरोध में पिछले दो महीने से इसराइल में जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर नेतन्याहू सरकार का विरोध कर रहे हैं। एक रोज पहले भी इसराइल की न्यायपालिका में बदलाव से जुड़े प्रस्ताव के खिलाफ तेल अवीव में प्रदर्शन हुए। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि उस दौरान प्रदर्शनकारियों ने शहर की एक सड़क को बंद कर दिया। ये वही सड़क थी जिससे होकर बेंजामिन नेतन्याहू को विदेश यात्रा के लिए एयरपोर्ट पहुंचना था, लेकिन सड़क बंद होने की वजह से वो एयरपोर्ट नहीं जा पा रहे थे। हालांकि बाद में हेलीकॉप्टर से बेंजामिन नेतन्याहू को एयरपोर्ट पहुंचाया गया। यही नहीं, विरोध प्रदर्शनों की वजह से इसराइल में मौजूद अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के दौरे पर भी असर पड़ा और बिगड़ते हालात को देखते हुए उनके कार्यक्रम को तेल अवीव एयरपोर्ट के पास ही आयोजित किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू के न्यायिक प्रणाली में फेरबदल के प्रस्ताव के खिलाफ हो रहे ये प्रदर्शन इसराइल का सबसे बुरा घरेलू संकट है। इन प्रदर्शनों में न सिर्फ नेतन्याहू के विरोधी शामिल हैं, बल्कि समाज के हर तबके के लोग इससे जुड़ रहे हैं। इसराइल की सेना भी इससे अछूती नहीं है। कुछ रोज पहले ही इसराइल की वायुसेना के पायलटों ने नेतन्याहू सरकार को लोकतंत्र विरोधी बताते हुए मोर्चा खोल दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने एक सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने से भी इनकार कर दिया था। इधर नौकरी के बदले जमीन घोटाला केस में लालू यादव के परिवार और उनके करीबियों के खिलाफ अब ईडी ने छापेमारी शुरू कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पटना से लेकर दिल्ली और मुंबई तक छापे मारे गए और इन शहरों में कुल 20 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई, जिसमें पटना के फुलवारी शरीफ में पूर्व आरजेडी विधायक और लालू के करीबी अबू दुजाना के घर कई घंटों तक ईडी की टीम मौजूद रही। इस दौरान वो अपने घर की छत पर भी नजर आए। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मामला पॉलिटिकल मामला और क्या हो सकता है। आरोप है कि अबू दुजाना की कंपनी ने ही पटना में लालू यादव के मॉल बनाने का काम शुरू किया था। अबू दुजाना के घर पहले भी छापेमारी हुई और कई दस्तावेज भी मिले थे और उसी को लेकर आज यहाँ पर ईडी की टीम इनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इसके अलावा दिल्ली NCR में लालू के परिवार और करीबियों से जुड़े करीब 15 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई, जिसमें दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में तेजस्वी यादव का घर भी शामिल है, जहां ईडी की टीम छापा मारने पहुंची। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की एक प्रोफेसर का दावा है कि आतंकियों के हाथ अब वायरस बम लग चुका है। उनके मुताबिक आने वाले दिनों में आतंकी हथियारों के बजाय इन्हीं वायरस बमों का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो अपने खतरनाक प्लान में कामयाब हो सकें। ऑस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रेना मैकिंटायर के मुताबिक कई आतंकी संगठनों को हमला करने का नया हथियार मिल गया है। उनका दावा है कि आतंकी जानलेवा वायरस, बैक्टीरिया और दूसरे जहरीले पदार्थों से महामारी फैलाने की फिराक में हैं, जिसके लिए वो इंसेक्ट ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एक ऐसा ड्रोन जिससे खतरनाक वायरस फैलाया जा सके और कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा दें। ऑस्ट्रेलिया की प्रोफेसर ने इस खतरे से पूरी दुनिया को आगाह किया और इससे निपटने का उपाय ढूंढने की अपील की।